हाय, कैसे हैं आप सभी? और कैसा चल रहा है आपका वर्कआउट सेशन और वेट लॉस वाला प्रोसेस? ठीक है, आज जो अपन बात करेंगे, अपन बॉडी वेट ट्रेनिंग के ऊपर बात करेंगे, कैसे अपन घर पे बॉडी वेट ट्रेनिंग करें और अपना बॉडी का ओवरऑल स्ट्रक्चर, जो अपने इंचेस यूज होते हैं वो करना चाहे या अपनी बॉडी की टोनिंग अच्छे से कर पाए, इसके लिए अपन 5 ऐसी एक्सरसाइज बेस्ट करेंगे जिससे अपन घर पे रहकर अपनी जो बॉडी की ओवरऑल एक्सरसाइज में इंक्लूड कर सकते हैं बेस्ट एक्सरसाइज। आपकी पूरे बॉडी वेट ट्रेनिंग से स्टार्ट करेंगे। कितने आप केजी के हैं, जैसे आप 80 केजी के या 70 केजी के या 50 केजी के, उसके अकॉर्डिंग आपकी एक्सरसाइज होगी और उतना आप वेट से एक्सरसाइज करेंगे और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बस आपको फॉलो करना है कैसे मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको नॉर्मल शोल्डर जितने इंक्लाइज खड़े रहना है, देन नीज पे बैठना है आपके, पूरा नीचे जाना है, वापस से ऊपर आना है, देन जंप 1 2 3। ध्यान रखना आप अपना वेट खुद उठा रहे हैं और इसको बेस्ट एक्सरसाइज बना सकते हैं आपकी एक वेट ट्रेनिंग के लिए, मतलब बॉडी वेट ट्रेनिंग की एक्सरसाइज। नेक्स्ट सेकंड एक्साइज जो शोल्डर टेप रहेगी, सेम पुशअप वाली पोजीशन में जाना है आपको, और अपोजिट हैंड अपोजिट शोल्डर पे टच करना है। 1 सेट 20 का कीजिएगा, ऐसे 3 सेट करने हैं आपको, देखिएगा कैसे करना है। इस तरीके से आपको शोल्डर वाली पुशअप वाली पोजीशन में जाना है, देन शोल्डर टेप करना है। ठीक है, इसके भी बहुत बेटर रिजल्ट है आपको, एक तो आपकी कोर अच्छे से इसमें ट्रेन होगी, दूसरा आप अपनी स्ट्रेंथ को स्टेमिना को अच्छा बना सकते हैं। इसमें अपनी पुशअप्स की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं आप, अपनी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। कैसे करना है सिंपल है, देखिएगा। फ्लैट होना है एकदम, आपको दोनों हाथ साइड चेस्ट के यहाँ पर रहेंगे, देन उठाना है पूरा बॉडी को, पीछे ले जाना है, वापस से डाउन करना है, उठाना है, पीछे ले जाना है, वापस से डाउन करना है। इसमें सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है, आप अपने वेट को उठा रहे हैं, कोई और एक्स्ट्रा वेट नहीं उठा रहे हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं आप इसको अगर 15-15 के 3 सेट करते हैं तो आपको, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छा बेटर फील होगा और आपको ये लगेगा कि आप एक आपने एक अपने वर्कआउट में बहुत अच्छी एक वर्कआउट को और एक्सरसाइज अपन को कैसे करनी है देखिएगा, मेरे को फॉलो करना है, सिंपल है। पहले आपको प्लैंक वाली पोजीशन में जाना, बॉडी को उठाना है, 1 2 वापस से प्लैंक वाली पोजीशन में आना है, वापस से उठाना है, 1 2 देन वापस प्लैंक वाली पोजीशन। सिंपल है, आपको पहले प्लैंक आना है, हाथों को उठाना है, पुशअप वाली पोजीशन में लाना है, देन रोल करना है, 1 2। ध्यान रखना है इसमें आपको पैरों की जो थोड़ा सा गैप बना के रखना है जिससे आपका बैलेंस अच्छा सा बना पाए और आप इस अच्छे से इस एक्सरसाइज को एंजॉय करें। लास्ट एक्सरसाइज कैसे करना है आपको, नॉर्मल खड़े रहना है इस तरीके से, देन आपके हाथों से बॉक्स करते काटना है आपको और नीचे जाना है, वापस हाथों से बॉक्स करते हुए पीछे आना है। ठीक है, ये वॉकिंग क्लाइंबिंग है, आपको हाथों से वॉक करते हुए नीचे जाना है और इसमें आप अगर पुशअप नहीं लगाना चाहते हैं। आज जो अपन ने वर्कआउट किया है, 5 एक्सरसाइज बेस्ट एक्सरसाइज है आपकी बॉडी वेट ट्रेनिंग के लिए, इससे आज अपना बेटर रिजल्ट बना सकते हैं अपने वर्कआउट में इसको इंक्लूड करके। हर एक्सरसाइज के मैं मिनिमम कहता हूँ आपको 10 से 15 सेट लगाइए एक सेट के अंदर, ठीक है, रिपीटेशन लगाइए एक सेट के अंदर, जिससे आपको बेटर रिजल्ट मिले और कहीं ना कहीं आपको इसी बेटर वीडियोज़ के लिए, बेटर वर्कआउट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और